जो भी निर्णय ले हमें उससे अवगत कर दीजिएगा, फिर हम निर्णय लेंगे। महाराज ने पूछा, तो क्या जवाब देंगे? महारानी की भावभंगिमा से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अवश्य निर्णय ले लिया है। महाराज, महारानी, अब आप आसन ग्रहण कीजिए। अब दीपक दिखाइए। महारानी जी, आप महाराज का हाथ छू ले। साज्जन च वर्धनयुक्तं वह्निना युजतं मया दीपं ग्रहणं दीपं दीपं समर्पयामि। आज इस पूजन का भावार्थ यह है कि विवाह बंधन में बंधने के पश्चात दंपति तन मन के साथ एकाकार हो जाए। धरती जननी होती है और औरत की तुलना इस धरती से की जाती है। सृष्टि में संतति उत्पत्ति में पुरुष का सहयोग करती है। विशेषकर यह पूजन आपके लिए है। हाथ जोड़कर आप दोनों भगवान शिव जी का स्मरण करें। यजमान, अपना पूरा नाम और गोत्र बताइए। गंगाधर राव, शिवराम भाऊ राव देवालकर, गोत्र काश्यप। महारानी साहिबा, आप भी अपना पूरा नाम बताइए। आप हमें बताइए कि आप क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती है या झांसी की महारानी। लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव नेवालकर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गौरीर्मीमाय सलिलानि दक्षत्येकोपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। महारानी, आपने कितनी बुद्धिमत्ता से आपके निर्णय से हमें अवगत कर दिया। इससे हमारे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। हमें विश्वास था कि आप लक्ष्मीबाई कहेंगे। महाराज, आपकी लक्ष्मीबाई हमेशा लक्ष्मीबाई रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु क्रांति की ज्वाला हर हिंदुस्तानी के दिल में, ना वो कभी मरती है और ना उसका अस्तित्व समाप्त होता है। महारानी, आप अपनी हथेली महाराज के हथेली के नीचे रखिए। अब आप दोनों दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।
संभल कर महारानी, आपकी हर असावधानी पर हमारी सदैव दृष्टि रहेगी। हम जानते हैं महाराज, परंतु हम आपकी दृष्टि से कभी स्वयं को ओझल नहीं होने देंगे। असावधानी तो देवताओं से भी हो जाती है। आपने हमें आज प्रसन्न कर दिया महाराज। आपकी लक्ष्मीबाई कोई भी कार्य करने से पहले कई बार सोचती है और तब जाकर कोई निर्णय लेती है। आज तक लक्ष्मीबाई ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण लक्ष्मीबाई के बाबा को लज्जित होना पड़ा हो, या फिर आपको। बस आप अपना विश्वास हम पर बनाए रखना, ये तो आप पर निर्भर है। जब चाहे परख लीजिएगा हमें। हमें आप पर विश्वास है। अब हम सब मिलके शिवजी की आरती करेंगे। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम लवथवती विक्राला ब्रह्मांडी माला विषय कंठ काला त्रिनेत्री ज्वाला हर हर महादेव। बोलो शिव शंभु भगवान की, बोलो शिव शंभु भगवान की, बोलो शिव शंभु भगवान की। महाराज, पूजन समाप्त हुआ। अब आप ब्राह्मणों को दान धर्म करके गृहस्थ जीवन में आप और महारानी कदम रखें। आप दोनों के द्वारा झांसी को शुभ संदेश मिले, यही हम सबकी शुभ कामना है। ओम नमः शिवाय। आयश्री जी, ये पंडित जी क्या कह रहे थे? सही समय आने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। What? जी साहब, यही संदेश पहुंचाने आया था। तुम जाओ। किंग एंड क्वीन ऑफ झांसी ऑन देयर फर्स्ट वेडिंग नाइट। दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल न्यूज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी का झांसी पाने के ड्रीम में बहुत ऑब्स्टिकल खड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। नोवेयर ऑफ झांसी। ये लो माई, और तुम भी खुशियां मनाओ। आज पूरा झांसी आनंदित है। झांसी पर पड़े हुए दुख के बादल अब छट गए हैं। झांसी को अब उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला है। नाचो गाओ। वहनी साहब, खुबजा आग लेने गई है तो हमने सोचा हम ही हुक्के को सामने आपके रख दे। अब तो जीवन भर आप है और ये हुक्का। झांसी के सिंहासन के सपने देखना तो अब बंद ही कर दीजिएगा। हम सपने नहीं देखती जानकी। अच्छा, पर वहनी साहब अब आप क्या कर सकती हैं? साल भर के अंदर ही झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तुम अपने भविष्य पर दृष्टि डालो जानकी, हमारी चिंता करना छोड़ दो।
सुक्कू भाई नाम है हमारा, ऐसा नाच नचाऊंगी इन्हें, ऐसा नाच नचाऊंगी कि नृत्य करती हैं आप। आपने क्यों जहमत की, किसी कनीज को भेज दिया होता तो बंदी खुद ही हाजिर हो जाती। तुम लोग जाओ। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आपने क्यों जहमत की? वो मोती भाई जी सब हमें कहते हैं कि हम महाराज के साथ। इसका मतलब है कि अब आप, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह अगर माबूद ने चाह तो अब झांसी महल में साजिशों का दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं मोती भाई जी? आप देखिए, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। मलिका अली, हम कोई पहेली नहीं बुझा रहे। अल्लाह ने चाह तो अब झांसी को जल्द ही उसका वारिस मिल जाएगा। क्या? हाँ। और कनीज तो परसों से आपके लिए इस रात का इंतजार कर रही है। कैसी रात? मिलन की। मिलन की? महाराज तो रोज हमसे मिलते हैं। मलिका अलिया, ये वो मिलन नहीं है। तो फिर कैसा मिलन है? मलिका अलिया, ये बात बताने वाली नहीं होती, आप खुद ही समझ जाएंगे। नहीं नहीं मोती भाई जी, आप बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? हाँ, यूं समझिए कि इस कायनात को जन्म देने वाला औरत के जिस्म में एक नया शाहकार रचने की तैयारी करने लगता है, और यही कुदरत का निजाम है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मोती भाई जी। बाबा ने तो हमें बताया था कि एक दिन ईश्वर तुम्हारी गोद में सुंदर सा बच्चा डाल देगा। हाय अल्लाह, आपने ये बात अपने बाबा से पूछा था? वही तो थे हमारे सब कुछ। मलिका अलिया, अब महाराज ही आपके सब कुछ हैं, और आपको उन्हें अपने करीब आने देना चाहिए। और हाँ एक बात और, जब महाराज आपके खाबगाह में आए ना तो आप अपना घूंघट बड़ा कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आप उन्हें इलायची और जाफरान का दूध पेश कीजिएगा। पर हमें तो बादाम वाला दूध अच्छा लगता है। नहीं मलिका आलिया, आपको वो करना है जो महाराज को अच्छा लगता है। ठीक है, वही करेंगे। उसके बाद? उसके बाद फिर खुशियां ही खुशियां, और सिर्फ खुशियां। खुशियां? इसका मतलब महाराज दूध पीकर खुश हो जाएंगे? हाय अल्लाह, कैसे समझाएं हम आप। कुर्बान जाऊं आपकी मासूमियत पर। देखिए, आज से दो दिन बाद पूर्णमासी के रात पाणि ग्रहण का उत्तम योग बन रहा है, अति शुभ है। यौवना अवस्था में मंगल सप्तम भाव में विराजमान है यजमान। झांसी को अनमोल रत्न मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हम आपकी झोली मोतियों से भर देंगे। सुंदर दीदी, महारानी साहब उत्तराधिकारी कैसे देंगी? पता नहीं, सब कह रहे थे तो देंगी अवश्य, जब हमारी महारानी इतने बड़े बड़े काम कर लेती है तो ये तो उनके लिए छोटी सी बात होगी। चलो। लक्ष्मी बाई,
गंगाधर राव नेवाल का। आज तक लक्ष्मीबाई ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण लक्ष्मीबाई के बाबा को लज्जित होना पड़ा हो, या फिर आपको। बस आप अपना विश्वास हम पर बनाए रखना। स्पीयर साहब, अगर झांसी को उसका वारिस मिल गया तो हमारे ही नहीं आपके मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। लच्छो, औकात में रहो। आसमान से जमीन पे आके गिरी हो फिर भी तुम्हारे सुर नहीं बदले। मेरी क्या औकात दिखाएंगी सुकुबाई साहिबा, अपनी औकात देखिए। जिसे महलों में रहने की आदत पड़ जाए वो सड़क पर गुजारा कैसे करेगा। बिल्कुल सच कहा लच्छो तुमने, इस बात को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। Please stop this. I have an idea. We'll hit her where it hurts the most. लक्ष्मीबाई ने इन्हें बुरी तरह पछाड़ा है, फिर भी बस मारने पीटने की बातें करते रहते हैं। समर भावा, जितने सुंदर रंग आपने इस रंगोली में भरे उससे कई अधिक सुंदर रंग ईश्वर आपके आंचल में भरे, यही हमारी प्रार्थना। बहन तो आप यहां कैसे? अपनी बहना से विदा लिए बिना हम झांसी छोड़कर कैसे जा सकते। मार्शल झांसी की सीमा पर डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। हम आपसे प्रसन्न है मिस्टर स्पियर्स। थैंक यू योर मैजेस्टी, बट बैक टू द रिपोर्ट, देयर इज वन मोर फेवर दैट आई मस्ट आस्क ऑफ यू। कहिए। समर सिंह को हमारे हवाले कर दीजिए। ही इज अ डकोट एंड ही मस्ट बी ब्रॉट टू फोर्ट विलियम। समर सिंह कैप्चर विल हेल्प एड वेट टू माय स्टोरी एंड हेल्प टू लेजिटिमाइज इट। तो आप जा कहाँ रहे? कहीं भी, परंतु अब हमारा झांसी में रहना आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नहीं नहीं समर, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं बहन, कोई भी भाई अपनी बहन का वैवाहिक जीवन बर्बाद होने का कारण नहीं बनना चाहता। और अब तो आपको राजपाट के साथ साथ घर परिवार का भी ध्यान रखना। हम हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके समर्पण कहीं भी वो अपनी बहनों को हमेशा अपने दिल में रखेंगे। ठीक है, समर सिंह आपको मिल जाएगा। अपना ध्यान रखना पड़ेगा।